ओके सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने पर जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को टाइमर का पीएनजी जो गाइस ये मैं आप सभी को दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप सभी को कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करके लगा देना है एंड आपके पूरे बैकग्राउंड पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से लगा देना है एंड उसके बाद यहाँ से सिंपली डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है एंड आप सभी को ये कुछ बर्ड्स का पीएनजी जो आप सभी को ये दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप सभी को ये ले लेना है एंड उसके बाद आप सभी को फुल स्क्रीन कर देना है एंड ये भी इजीली एडजस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एकदम फिट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ से मैं अभी यहाँ से डन कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड करेंगे अब, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं मॉडल को ले लूँगा सिंपली। एंड गाइस मैंने मॉडल का जो है बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपली वहाँ से देख के बैकग्राउंड को इरेज करना सीख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को आगे क्या करना है, आप सभी को अभी यहाँ पर डन नहीं करना है मॉडल को लगाने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे एक शेडो का पीएनजी लेना है और हम शेडो का पीएनजी जो है इसके यहाँ पे मॉडल के नीचे लगाना है, ताकि मतलब जो ड्रॉ टूल में जो मेहनत करनी होती है हमें वो यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए पीएनजी बना दिया है, ठीक है। तो आप सभी कुछ इस पीएनजी को इस टाइप से लगा देना है। एंड जो गाइस दूसरा वाला पैर है जो मेरा, वहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब कि मेरे को उस तरफ शेडो नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो साइड में जो पॉइंट दिख रहा है आप सभी गाइस, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे एंड कुछ इस टाइप से हम इसको प्रेस करेंगे एंड उस तरफ की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इस तो कुछ इस टाइप से कर देंगे। एंड गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारी शेडो बिल्कुल रियलिस्टिक सी क्रिएट हो चुकी है। एंड चाहो तो आप इसके ऊपर सिटी कम कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे मैं एक पीएनजी दूंगा गाइस, ठीक है। तो आप सभी को पहले उस पीएनजी को ले लेना है, ये वाला लाइट का जो पीएनजी है, अब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको गाइस, मेरे को पता नहीं है, लालटेन शायद, हाँ लालटेन बोलते हैं इसको। तो इसका पीएनजी ले लेना आप सभी को एंड इसको ना थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे हम शेडो भी इसके लिए भी शेडो चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड यहाँ से हम शेडो को ले लेंगे। एंड यहाँ से क्या करेंगे, हम फोटो को थोड़ा जूम करेंगे एंड इसको हम इसके लालटेन के नीचे कुछ इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लगा देंगे एंड जो गाइस इसकी शेडो जो है, हमारी जो शेडो है थोड़ी सी वो पतली सी लग रही है ना इसके सामने, तो हमें इसे थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। एंड हम इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउन मूव डाउन कर देंगे, ठीक है। एंड इसको इस टाइप से यहाँ पे भी शेडो हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा सा ना लालटेन है जिसका कलर एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो एडजस्ट में जाएंगे एंड थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद हम इस कॉन्ट्रास्ट को जो है हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख लेंगे एंड बाकी यहाँ पे तो हो गया डन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम तो हो चुका है हमारा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस फोटो कर देंगे यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा मतलब कि इसको यहाँ रख लेते हैं, हाँ अब इसको करते हैं यहाँ पर डन, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में एंड जो आपका लालटेन है इसमें थोड़ा सा लाइट इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे एंड इसको यहाँ पे स्क्रीन कर देंगे एंड फोटो को कुछ इस टाइप से जूम करेंगे एंड हम इसके लालटेन के अंदर को इस टाइप से लगा देंगे। तो गाइस देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लालटेन जो है इसमें से लाइट जल रही है, तो इस टाइप से आप सभी को भी लगा देना है एंड यहाँ पे कर देना है डन। एंड गाइस एक हमारे आखिरी पीएनजी जो कि आप सभी को लगानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको ले लेंगे एंड इसको भी आप फुल स्क्रीन कर दोगे तो ये भी सिंपली ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से पीएनजी लगा लेना है एंड यहाँ पे सिंपली आप सभी को कर देना है डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो यहाँ तक तो हमारी पिक्सआर्ट का तो काम था वो तो हो चुका है, बट इसमें अभी थोड़ा डोजन बन करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐसे टूल्स में, फिर जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हमें थोड़ा ब्राइटनेस जो ऊपर की तरफ बढ़ा देना है एंड इस टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को छोटा करके एंड हमें जहाँ जहाँ पर डोजन बन चाहिए वहाँ वहाँ पर हम कुछ इस टाइप से पेंट करेंगे, जैसे कि आप सभी को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को जिस टाइप से अच्छे से पेंट कर लेना है, टी शर्ट वगैरह जो भी आपने पहनी हो उस पर अच्छे से कर लेना, आप सभी को जहाँ जहाँ पे मतलब चाहिए हो, ठीक है। तो वहाँ पे कर देने के बाद उसके बाद जो इसका अमाउंट कुछ अराउंड 20 तक रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे सिंपली डन कर देना है, ठीक है। तो गाइस एक लास्ट टाइम हो जाएंगे हम टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाकर हम ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, फिर इस टूल में जाएंगे ऐसे इन्वर्ट कर देंगे एंड ब्रश के साइज को छोटा करके एंड कुछ इस टाइप से हम फोटो को जूम करेंगे एंड कुछ इस टाइप से एक पेंट यहाँ कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे, एक नोज के ऊपर कर देंगे एंड यहाँ से हम सिंपली डन कर देंगे एंड जो उसका अमाउंट है अराउंड कुछ रख देंगे 5 तक, ठीक है, 6 तक रख देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे डन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पिक्सल का काम हो चुका तो अब हम फोटो कर लेंगे सेव एंड यहाँ से चलेंगे हम बैक, क्योंकि अब इसमें हमें करेंगे कलर करेक्शन एंड यार कलर करेक्शन के बाद ही पता चलेगा हमारी फोटो में क्या रिजल्ट आया। तो गाइस जब तक हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया होता प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और गाइस अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि यार जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं
थोड़ा वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद आप सबको साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद जिसका कॉन्ट्रास्ट आप सभी को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। तो एंड उसको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद हाईलाइट को कम कर देना है, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा आप सभी को माइनस की तरफ रख देना है। एंड उसके बाद जो व्हाइट है इसको आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड ब्लैक है जिसको माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद गाइस आप सबको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को ग्रीन कलर को लेना है, एंड इसके सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है, क्योंकि स्काई में जो हमारा ग्रीन कलर आ रहा था, तो ये ब्लू कलर को लेना है, इसके ह्यू को माइनस कर देना है। एंड फिर उसके बाद जाना ब्लू येलो कलर में, एंड इसके सैचुरेशन को भी माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना सेकंड ब्लू में, एंड इसके जो ह्यू है सैचुरेशन इसको माइनस कर देना है, क्योंकि पेंट का कलर हमें ग्रे करना है इसलिए, ठीक है। तो अब जाएंगे हम कलर्स के नीचे वाले टूल में, तो फोटो की जो क्लियरिटी है उनको स्क्रीन कर इंक्रीज कर देंगे, एंड जो फोटो विग्नेट है वो हमें डालना है, ठीक है। तो फोटो विग्नेट डालेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ग्रीन अमाउंट मिलेगा, तो उसको बढ़ा देना है। एंड उसके नीचे नीचे वाले टूल में जाकर फोटो की जो शार्पनेस है उसको बढ़ा देना है, एंड जो नॉइस रिडक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइस रिडक्शन है आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आई थिंक यार मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ना फोटो में जो विग्नेट है थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसमें विग्नेट को कम कर लेते हैं, ठीक है। तो विग्नेट है हम यहाँ कम कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे तो है जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस मैं आप सभी को बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड यार शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना। एंड यार अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड और हाँ गाइस आप सभी के लिए ना मैंने एंड स्क्रीन में दो वीडियो लगा रखी है, इन दोनों में से आप सभी को जोन से भी वीडियो बेस्ट लग रही है यार, प्लीज़ यार दोनों में से किसी एक वीडियो पर भी क्लिक करके आप कोई भी एक वीडियो को देखो, है ना। और ये और अगर आप मेरे चैनल पे अगर और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के लोगों पे क्लिक करके आप वहाँ जाके भी कोई भी वीडियो देख सकते हो, काफ़ी वीडियो मैंने औसम बना रखी है। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।